guys, so आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ on the video double meaning Bollywood songs by Hut BC. But before I start, hello, my name is Monali Naik and welcome to my channel नखरेवाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. जैसे ही पारो अपने पति के साथ कमरे में गई, उसका पति सारे कपड़े उतार के उसके सामने खड़ा हो गया. तो पारो ने पूछा, ये क्या है? तो पति ने जवाब दिया, ये चिड़िया है, 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 ये चिड़िया है. This is just a joke. Don't take it seriously. For you guys as well. स्वागत है आप सबका. यार आज ना मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसने हम में से बहुतों का बचपन तबाह करके हम लोगों को हिलाने पे मजबूर कर दिया. ये गाना मैंने कभी देखा भी नहीं. देख रहे हो बेटी चोत को, भाई मैं बता रहा हूँ बीच सड़क पे ये हरकत लड़की के साथ तो छोड़ो, अगर दो लौंडों ने भी बकचोदी में कर दी ना भाई, कतई कुत्ते के पट्टे से पिटाई होगी. तो यार आज मैं बॉलीवुड के कुछ ऐसे गानों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनको तुमने ऐसे ना वैसे, जैसे ना तैसे, बचपन में कैसे ना कैसे करके सुना जरूर होगा, लेकिन उनके हरामी पने का अंदाजा आज तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा. तो चलो यार अपने घर के बगल वाले राजा पनवाड़ी से कहते हैं और शुरू करते हैं. समझ लो मुकेश भाई, शुरू करते हैं आज का मुकदमा. Congratulations. नहीं भाई तुम लोग को अभी अचीवमेंट का अंदाजा नहीं है. ऐसे ही छोड़ने की जगह खड़ा हो जाता है यार. अभ्यास प्रभास सब लगाना पड़ता है, उसके बाद खड़ा होता है किसी आम इंसान का. साला हाथ धो रखी है, अगले का खड़ा हो गया तो उसी पे गाना बना दिया. भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि साला सेंसर बोर्ड ने इसको पास कैसे कर दिया. हाँ जी, तो गाने के बोल क्या हैं? सर जी गाने के बोल है कुछ इस तरह, खड़ा है खड़ा है खड़ा है. सेंसर बोर्ड नाइस. खोल 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 दरवाजा खोल, बोल 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 प्यार के दो बोल. अबे अगले का लुंगी में खड़ा है और तुमको लगता है वो दरवाजा खोलने की बात करेगा? नहीं भाई मैं इस बात पे लाख लाख रुपए की शर्त लगा सकता हूँ कि कपूर साहब कुछ और ही खोलने की बात कर रहे हैं. दरवाजा खोल. I wanna. पैन की तुम मानो ना मानो, ये लौंडिया एक्सरसाइज करने के लिए बुला रही है. अबे यार दुनिया के कौन से कोने में ऐसे ट्रेनर पाए जाते हैं? जो मेरे जिम का ट्रेनर है उसकी 4.5 इंच की तोंद निकली हुई है और भाई नाम भी कुछ ऐसा है, गुड्डू पहलवान. के तुमने पाता है ना? नहीं भाई मैं इसको बहुत देर से देख रहा हूँ, हवस इससे बर्दाश्त नहीं हो रही है. बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन ये तो पक्का एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन के डिब्बे में जाके हिलाएगा. और कोई काम धंधा नहीं है इस औरत के पास. सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त कुछ और रहेगा. पूरा लाइफ क्या है एग्जैक्टली? संजय दत्त ये औरत मियां खलीफा से भी 4 हाथ आगे है, इतना तो वो भी नहीं ले पाती है. अबे कितने जानवर खाती है, कहाँ से आ रहा है इतना स्टैमिना? यहाँ लॉन्डो का हाल ये है, 2 बार हिलाने के बाद पूरी रात लग जाती है रिकवरी में, और ये औरत अबे चुतिया गया है क्या? बीच खेत में लड़की तो छोड़ो, अगर बकरी से भी ऐसा बोल दिया ना तो बोरी में बंद करके गीली चप्पल से पिटाई होगी. दादा कोंडके क्या बकैती है ये, ले लो दे लो, साला कतई मीठा हो रहा है बिल्कुल. और आंटी को भी कम हॉर्नी मत समझ लेना. मतलब अभी फिर भी अच्छे गाने बनते हैं पहले से तो। अब आओ यार, आज हम लोग एक बार फिर से बहुत दिनों बाद सोच की दुनिया में चलते हैं। तो फिर सोचो तुम एक पुलिस ऑफिसर हो और तुमको एक लड़की फोन करके बोलती है कि आज रात वो अपने घर की छत पे सुसाइड करने वाली है। तभी तुम उसको बचाने के लिए पहुंचते हो सूट पहन के, वो भी बिल्कुल निहत्ते, न कट्टा न बंदूक न हवलदार। तभी तुम देखते हो कि एक लड़की साड़ी पहन के इधर उधर ऐसे भाग रही है कि मानो सलूशन फूक लिया हो। अब तुम ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? ऑप्शन ए, उस लड़की के झुटैया पकड़ के मार मार चटक गाल लाल कर दोगे, या फिर ऑप्शन बी, चुपचाप वहाँ से चलते बनोगे। तो आओ यार देखते हैं हमारे जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर अक्षय पाजी ने फिल्म में क्या किया। वो ऐसे किया जाके बहुत बढ़िया, बहुत सही। नहीं 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 भाई, नहीं भाई, स्क्रिप्ट राइटर के लिए तो चप्पलों से तालियां बजानी चाहिए। साला पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम रोशन कर दिया। अभी 2 मिनट पहले तक तो सख्ती का आलम ये था कि भैया धरती फट जाए या आसमान अपना भाई नहीं पिघलेगा। नहीं नहीं भाई, देखो तो जेब में हाथ डाल के रोकना पड़ रहा है। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई ये मुस्कान देख रहे हो अपने भाई की। बस इसके बाद क्या जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट सब जाए भाड़ में। उसके बाद अपने भाई ने बारिश में आग लगा दी। चली ऐसी पागल पवन मैं क्या करूं। ये बाल है। अब यार हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री 100 साल के बाद भी आज हम लोग के पास हीरो है, हीरोइन है, डांस है, हवस है, एक्शन है, सब है। लेकिन लॉजिक वो तो हम लाई नहीं, वो तो 400 साल पीछे रह गया। तो बस यार आज का मुकदमा यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो यार। पिछली वाली वीडियो पे तुम लोगों ने गदर मचा दिया है, तो फिर इस वाली वीडियो पे एम रखते हैं 19,000 लाइक फटाफट कर दो यार। और तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे हिसाब से बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हवस वाला गाना कौन सा है। और अगर इस क्रांति में नए हो और तुम भी चाहते हो सख्त लौंडा इंस्टीट्यूट में एडमिशन, तो फिर यार उस लाल वाले बटन पे क्लिक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। बगल में घंटा बन के आएगा, उस पे भी दबाओ ताकि तुम नोटिफिकेशन पाओ। अब बस यार मैं भी चलता हूँ, मुझे पता करना है साला ये बारिश में आग लगती कैसे है। भाई एंडिंग लगाओ। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने हट बीसी पे रिएक्शन दिया था। मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट में कहा था रिएक्ट करने के लिए। तो डबल मीनिंग बॉलीवुड सॉन्ग वंस मोर, कि जहाँ पे सनी लियोन का थंबनेल है बट पूरे वीडियो में कहीं पे भी सनी लियोन नहीं है। मतलब हमेशा थंबनेल में सनी लियोन होनी चाहिए बट वो पूरे वीडियो में हो ना हो, उसका थंबनेल तो होना चाहिए ऑफकोर्स। तो बात करूँगी, वो एक इंस्ट्रक्टर थी फिटनेस वाली ना, मैं भी एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर हूँ। ओके, जुम्बा इंस्ट्रक्टर मतलब डांस के साथ साथ फिटनेस ट्रेनर हूँ मैं। ऐसा कोई भी जिम में, बड़े से जिम में जाओ, कहीं पे भी जाओ, ऐसा ट्रेनर कहीं पे नहीं मिलता है। आपको ट्रेनर ऐसी मिलेगी, वैसा कहीं पे नहीं मिलेगा। और लॉजिक तो दूर दूर तक बात नहीं है बॉलीवुड की, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है मैन, कहीं पे भी नहीं। और मैं बात करूंगी स्टेप्स के बारे में। गाने तो थे ही बकवास, और वो भी पुराने टाइम के गाने, नॉट अभी के, इतने साल पुराने गाने जिसको सेंसर ने बहुत ईजिली पास भी कर दिया। और शायद तब हमें पता नहीं चलता था, अब उसकी मीनिंग पता चल रहा है। तो वो भी एकदम सुपरस्टार्स वाले हीरो संजय दत्त, अनिल कपूर, इनके गाने हैं। और ये अभी इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं कि हर एक वीडियो में मैंने बहुत जगह पे देखा है ये सॉन्ग को यूज़ करते हुए। तब से तो दादा कोंडके को देख के मैं ये शौक हो गई, उन्होंने हिंदी गाना कब किया तो किया, ऐसा गाना कब किया, मैं तो शौक हो गई। वो मतलब मराठी इंडस्ट्री से है। और एंड वाला टिप टिप बरसा पानी, माय गॉड, मैंने ये गाना ना वापस एक बार स्टार्ट से एंड देखना चाहिए एग्जैक्टली ठीक से। मैंने सुना बहुत बार है, देखा भी होगा, बहुत पहले देखा होगा। ऐसा नहीं देखा मैंने कि हाँ वो पुलिस ऑफिसर है, मतलब उस नज़र से या उस तरीके से जिस तरीके से हट बीसी ने बताया इस वीडियो के अंदर। तो एंजॉय तो बहुत ज़्यादा किया मैंने। आपको अगर और भी ऐसे वीडियोस पे रिएक्शन चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपके व्यूज़ पे मुझे पता चलता है कि मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो मैं आती रोज़ वीडियोस के साथ, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी पर बाय।